हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, थोड़ा नहीं बहुत, बहुत ज़्यादा दही ज़्यादा मत डाल देना, कोई देना फिर डाल, ठीक है ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए वेलकम टू माई ब्लॉग, और आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़ा। कल मैंने तंदूरी चिकन बनाया था और अभी मैं दही बड़ा बना रही हूँ। और दही बड़ा बनाने के लिए धनिया की चटनी तो मैंने रात को ही बना ली थी, और अभी जो है इमली की, इमली वाली चटनी बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको इमली, और ये रहा इसका पानी। अब इसमें गुड़ डालूँगी और इसको बॉयल करूँगी, और ये रहा दाल जो मैंने भिगो रखा है, इसको अभी ग्राइंड करना है। ये उबल रहा है और इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़, मैंने पहले भी गुड़ डाल दिया था। अब इसको मैं ऐसे खौलाऊँगी, खौला के इसमें थोड़ा सा मिर्च वगैरह डालूंगी, नमक डालूंगी ताकि ये बैलेंस में आए। ये क्या ला है इसके अंदर, ये बन गए हमारे बड़े। और इसमें से मैं निकाल रही हूँ पानी, मैं गुनगुन के लिए बना रही हूँ अभी। गुन्नू बड़े से थोड़े कड़े कड़े बन गए हैं, गुनगुन तूने कितने खाने हैं पता नहीं। काला नमक, चुटकी, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आमचूर। आमचूर इसमें मैं ढूंढते रह गई थी। इस डब्बे में आमचूर रखिए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। नेस्कैफे के डब्बे में चाट मसाला। और ये हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और गोल मिर्च का, ये मैंने तवे पे भूंज के इसको पीसा है, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और हम डालेंगे इसमें चटनी, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ले सकते हैं। चटनी थोड़ा थिक बन गया है मिर्च से। और इसमें हम डालेंगे ये चटनी जो मैंने सुबह बनाया था। नहीं गाड़ी तो गिर रहा है मम्मी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही, थोड़ा नहीं बहुत, बहुत ज्यादा दही ज्यादा मत डाल देना, गुड इनफ है। मम्मी रुक जाओ, ठीक है ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए ये हो गया चाट नहीं सॉरी ये होली में बना नहीं पाई थी तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। तो आप लोग भी खाइए और इन्जॉय कीजिए, घर में बना के खाइए क्योंकि मैं खिला नहीं सकती आप लोग को अभी। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।